नमस्कार, आज की वीडियो में हम धनिया ग्रो करने वाले हैं। तो धनिया को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बीजों को लेना है और बीजों को हमें कुछ इस तरीके से, मतलब एक बीज से दो टुकड़े ऐसे बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे इसे हाथ पर ही घिस रही हूँ, जिसके कारण ये एक तरीके से टुकड़ों में बढ़ जाएगा इस तरीके से। ध्यान रखिए, बीजों को ज़्यादा बारीक मत कीजिए, क्योंकि इससे ये डैमेज हो सकते हैं। इसको इसके दो टुकड़े बन जाने के बाद हमें इसे ग्रो करने के लिए, अब ये रेडी हो गए हैं। तो इस टुकड़ों को हमने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बीजों को ग्रो करने के लिए सॉइल ली हुई है, जो कि एक थर्मोकोल की कंटेनर में है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर थर्मोकोल का, मेरे घर पर वेस्ट था, ऐसा कंटेनर लिया हुआ है। इसमें मैंने फर्टिलाइज़र प्लस 30% फर्टिलाइज़र और नॉर्मल गार्डन सॉइल प्लस कंपोस्ट का मिक्सचर लिया हुआ है। इसको हमें किसी भी स्टिक के सहायता से या फिर किसी के भी सहायता से आप इस तरीके से इसे इसमें लाइंस बना लीजिए, और इन लाइंस में हमें बीजों को बिखेर देना है। इस तरीके से हमें पूरी तरह से बीजों को इन लाइंस में, जो नीचे वाली लाइंस है उनमें डाल देना है, और उसके बाद इसके ऊपर हम मिट्टी से इसे ढक देंगे। धनिया, मतलब सीज़न के अनुसार धनिया को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। मतलब अगर आप विंटर में ग्रो करेंगे तो ये 2-3 दिन में ही ग्रो हो जाएगी, और अगर आप यही धनिया यही सीड से समर में ग्रो करना चाहेंगे तो इसमें 4-5 या फिर 6 भी दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमने धनिया, पूरी तरीके से धनिया उगाने की प्रोसीजर ख़त्म कर ली है। अब इसके ऊपर हमें वाटरिंग कर देनी है, और जिस पॉट में हम धनिया उगा रहे हैं, जिस कंटेनर में हम धनिया उगा रहे हैं, उस कंटेनर में होल्स होने बहुत ही अवश्य है, क्योंकि अगर होल्स ना हो तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो सकती है और हमारा धनिया सड़ जाएगा। इस तरीके से 4 दिनों के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर धनिया ने जर्मिनेशन दिखा दिया है और यहाँ पर धनिया ग्रो हो रहा है। आप भी इसी तरीके से धनिया आपके घर पर ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम से वेस्ट कंटेनर में धनिया को ग्रो किया हुआ है। 8 दिनों में ही हमारे धनिया ने ग्रोथ दिखा दी है। आपको भी अगर इसी तरीके से धनिया उगाना है तो आप भी इसी तरीके का वेस्ट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड का कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ ही आप ग्रोअर बैग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मिट्टी के पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये थर्माकोल का वेस्ट कंटेनर था, जो कि हमारे घर के फ्रिज को आया हुआ था, बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था, इसका ही यूज़ मैंने धनिया उगाने के लिए किया हुआ है। इस तरीके से हमारा धनिया धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है और जल्दी से ये हार्वेस्टिंग के लिए भी रेडी हो जाएगा। धनिया को ज़्यादा जर्मिनेशन के लिए ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसे ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये सड़ जाता है, इसलिए आप समय के अनुसार और सोच समझ कर ही इसे वाटरिंग कीजिए। इस तरीके से आप धनिया को बहुत ही इजी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, और ये एक हेल्दी धनिया है, क्योंकि इस पर हम किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं कर रहे, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से हम घर पर ही धनिया उगा रहे हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और साथ ही साथ में आप हमसे जुड़ते रहेंगे और हमारा बॉन्ड बढ़ता जाएगा।
इस तरीके से हमारे धनिया ने पूरी तरीके की ग्रोथ दिखा दी है। आप देख रहे हैं 25 दिनों में हमारा धनिया रेडी हो गया है और अब हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप भी आपके घर पर धनिया उगाइए और उसकी फोटो या फिर उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। धनिया को उगाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इसे वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने मेरे एक वीडियो मेथी कैसी ग्रो करनी है, मतलब फेनोग्रीक को कैसे ग्रो करना है, इस पर जो वीडियो बनाया हुआ है, सेम उसी प्रोसीजर से आप धनिया को ग्रो कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक से। आपको क्या करना है, सिर्फ मेथी के सीड की जगह आपको वहाँ पर धनिया के सीड्स डालने हैं और सेम प्रोसीजर से धनिया ग्रो हो जाएगा। मगर हमें धनिया बहुत ज़्यादा लगता है, डेली यूज़ में हमें धनिया चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा कंटेनर सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए इस तरीके से हमारे धनिया ग्रो करने की प्रोसीजर पर का वीडियो ख़त्म हो गया है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।